करता है। हम योग के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारी मांसपेशियां, हमारा शरीर का हर अंग तैयार हो जाता है योग के लिए। रिलैक्स, बिल्कुल। अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार का, 12 आसनों का एक विशेष वैज्ञानिक चरण है, ये तरीका है, तो हम करेंगे सभी एक साथ। एक, नमस्कार की मुद्रा, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और बारह। बहुत कमाल का अभ्यास है योग। ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत और सबसे को जीवन देने वाले सूर्य की आराधना और शक्ति की साधना ही सूर्य नमस्कार है। अब हम आसनों का क्रम शुरू करते हैं। खड़े होके पहला आसन ताड़ासन, शरीर को खिंचाओ, के दो, तीन, चार। स्ट्रेचिंग का ये सबसे अच्छा अभ्यास है, बचपन में अगर बच्चे करते हैं तो उनकी हाइट भी बढ़ती है। अगला आसन पादहस्तासन, एक, दो, आगे झुकेंगे सभी, कमर दर्द वालों को आगे झुकने की सावधानी रखनी होती है, तीन और चार। हम देख रहे हैं पीठ की मांसपेशियों का खिंचाव होता है। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन, एक, दो, बहुत अच्छा, तीन और चार। ये कमर के लिए लाभकारी है। कटी चक्रासन मेरुदंड का सर्वश्रेष्ठ अभ्यास, एक, पहले दाईं तरफ झुकेंगे, दो, बहुत अच्छा, तीन, चार, बाईं तरफ, एक, दो, तीन, चार। अब आप बैठ जाएं। आसनों की लंबी श्रृंखला है, लेकिन चयनित आसन चिन्हित आसन करने से लाभ मिलता है। आप वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन बहुत लाभकारी है, भोजन के बाद एकमात्र आसन है जिसको हम कर सकते हैं। शशकासन, एक, दो। आप देखिए धरती मां को नमन कर रहे हैं, मानसिक रोगों में बहुत लाभकारी है ये, तीन और चार। अब हर आसन का एक पूरक आसन होता है। एक, अगला आसन अर्धोष्ठासन, एक, दो। अब हम पीछे झुक रहे हैं, एक आसन आप भी कर लीजिए ना, तालियां बजा करके थोड़ा आसन आप भी कर लेना बैठे बैठे, तो तीन और चार। हेलो, अब हम लेट जाएंगे। लेट कर करने वाले आसन पेट के बल लेट कर, भुजंगासन बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है शरीर को। अभी मकर आसन में लेटे हुए हैं, विश्राम की अवस्था में। जितना जरूरी व्यायाम है उतना ही जरूरी विश्राम भी है। एक, दो, तीन, चार। अगला आसन शलभासन, एक, दो, बहुत अच्छा, तीन, चार। भुजंगासन और शलभासन हमारे मेरुदंड को मजबूत बनाते हैं। अगले अभ्यास के लिए आप सीधे लेट जाएं। योग साधना जगत में जानो सुख का द्वार, योगी को कहते सभी सखिल विश्व सरदार। सर पर छाता योग का नहीं सताती धूप, भूप प्रजा के होते हैं योगी उनका भूप। योगी को संसार में नहीं सताते रोग, सरल व्यक्ति की औषधि करिए केवल योग। अगला अभ्यास हमारा सेतु बंध आसन, एक, तैयार हो जाएं। एक में हम तैयार हो जाते हैं, दो, आसन की पूर्ण अवस्था। मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा आसन है, तीन,
चार सर्वांगासन। वैसे तो बच्चों को करना चाहिए लेकिन ये भी बच्चे ही समझो, सर्वांगासन करेंगे एक, सभी अंगों का एक साथ आसन होता है। दो, आप देख सकते हैं तालियां तो बजनी चाहिए इसमें, बहुत सुंदर। एक कोई फैक्टर भी नहीं है योग में, किसी भी उम्र का व्यक्ति योग कर सकता है, करना चाहिए। तीन, चार, अगला अभ्यास गैस के लिए, कब्ज गैस के लिए पवन मुक्तासन। एक, दोनों पैरों को मोड़ लें। दो, आप देख सकते हैं पीठ पे पैर हाथ सभी में खिंचाव ला रहा है, पवन मुक्तासन गैस कब्ज के लिए लाभकारी है। तीन और चार, आखिरी आसन लेटकर मरकट आसन। कमर की शिकायत किसी को भी हो सकती है, मरकट आसन के लिए पैर मोड़ लें। इसमें हम विपरीत दिशा में एक तरफ पैरों को ले जाएंगे, दूसरी तरफ गर्दन को ले जाएंगे। तो हम पहले गर्दन, एक दाई तरफ पैर, बाई तरफ गर्दन, पूरा ट्विस्ट हो रहा है। दो, तीन और चार, रिलैक्स। शवासन, शरीर को ढीला छोड़कर। कभी तो हम विश्राम करें, भाग दौड़ में हमने विश्राम करना बंद कर दिया है, दिन भर दौड़ते रहते हैं। शरीर को विश्राम दें, पैरों को विश्राम दें, हाथों को विश्राम दें, पूरे शरीर को विश्राम दें। गहरी सांस लें, सांसों का ध्यान करें, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। आसनों के बाद शवासन करना चाहिए। बैठ जाएं बाई करवट से। अब हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम पतंजलि अष्टांग योग में चौथे नंबर पे प्राणायाम है, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, भस्त्रिका प्राणायाम। सांसों को गहरा लें और छोड़ें। इसके लिए हमको मेरुदंड को सीधा रखना है, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं हम, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, या अगर हमको इनमें भी तकलीफ हो तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, कुर्सी आसन लगाकर। गहरी सांस लें, छोड़ें। 2020 का कोरोना का अमंगल हमने देखा है, 2021 का मंगल टीका हमारे को मिल चुका है। लेकिन योग हमारे लंग्स को मजबूत करता है, कोरोना का इफेक्ट लंग्स में सबसे पहले होता है। कोरोना से बचना है या इस तरह की कोई भी बीमारी से बचना है तो हमारे लंग्स मजबूत होने चाहिए, हमारे वाइटल ऑर्गन्स मजबूत होने चाहिए। गहरी सांस लें, छोड़ें, सांसों का ध्यान करें। सांस लेते समय एक विचार करें कि ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, और जब आप बाहर सांस छोड़ें तो मन में एक ऐसा संकल्प लें कि मेरे शरीर के, मेरे मन के, मेरे विचारों के समस्त विकार बाहर निकल रहे हैं, मेरे काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष समस्त बाहर निकल रहे, मैं निर्मल स्वस्थ हो रहा हूं। अगला अभ्यास करें कपालभाति। देखिए बहुत नाम है कपालभाति का, कमाल की भाति भी कहा है, ये हमारी ऊर्जा को उधर वेस्ट करता है। इसमें बहुत सरल है, सीधे बैठे सांस को झटके से बाहर छोड़ें, सहज रूप से सांस लें, एक सेकंड में एक बार। कोई बड़े ऑपरेशन के बाद इसकी मनाही है, बाकी कोई भी व्यक्ति, किसी भी उम्र का व्यक्ति इस कपालभाति को कर सकता है। इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। कपाल माने चेहरा होता है, भाति माने प्रकाश होता है, हमारे चेहरे पे ओज और तेज की वृद्धि करता है। पेट हिल रहा है इसमें, और जब गति होगी तो वहां बल होगा, ये विज्ञान का नियम है। पेट के अंगों को बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, और सो ही शक्ति हम ऊपर ले जाएंगे, हमारे मस्तिष्क को ले जाएंगे। रिलैक्स हो जाएं। इसको हम नियमित अभ्यास में 5 मिनट 10 मिनट तक कर सकते हैं। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का।
अनुलोम विलोम प्राणायाम, एक हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में है, दूसरा अपान मुद्रा बना रखी है, एक नासिका से सांस भर रहे हैं, दूसरी से सांस को छोड़ रहे हैं। हृदय रोगों में बहुत लाभकारी है, बहुत लाभकारी है, सच में लाभकारी है। हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। अंतिम कोशिका तक प्राण वायु पहुंचती है प्राणायाम से, ये सच है। प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, कोई साधना नहीं है, ये सच है। हम प्राणायाम करें, देखिए बीमारियां तो आएंगी संसार में, कई तरह के कष्ट आएंगे, लेकिन कीचड़ में कमल की तरह कैसे हम रह सकते हैं, ये हमको योग सिखाता है। हम प्राणायाम करें, नियमित करें और आलस्य को छोड़कर करें, हर दिन करें। हर दिन की शुरुआत हम योग से करें, रिलैक्स हो जाए, अगला अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। अगला अभ्यास प्रारंभिक प्राणायाम का है, 3 बार करेंगे, भौरे की तरह गुंजन करते हुए, नाद करते हुए, और स्वयं की आवाज को स्वयं सुनेंगे, और हम भी एक आवाज सुनना चाहते हैं आपकी गर्दन ध्वनि के साथ, क्योंकि ये वरिष्ठ नागरिक हैं, आप देख रहे हैं इस सबकी धूप में भी अगर ये योगाभ्यास कर रहे हैं तो तालियां तो बजती हैं। और ये जो योग करवाए जा रहे हैं जिनके नेतृत्व में, उनका परिचय लेना चाहूंगा, श्री राजेंद्र सिंह नरुगा, नेत्र सहायक, राजकीय चिकित्सालय सिरोही। द्रोणाचार्यों के भी द्रोणाचार्य की रिलैक्स हो जाए। हम उस ब्रह्मांड में घुलते नाद को सुने, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है, शरीर में है। अगला अभ्यास ओम की प्राणायाम, फल है। और हम इस फल से कैसे वंचित रह सकते हैं, आंखें बंद रखें, ध्यान में आंखें बंद होनी चाहिए। ध्यान में हम सांसों का ध्यान करें, उस निरंजन की माला का ध्यान करें जो जीवन भर चलती है। निरंजन माला घट में फेर देगा, हम योगी बने, निरोगी बने और उपयोगी बने, खुद करें औरों को करावें। आओ हम सब मिलकर सिरोही को स्वस्थ बनावें, भारत स्वस्थ बन जाएगा, स्वस्थ समाज का निर्माण करें। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, जीवन में सुख से रहे। उस कविता की अंतिम लाइन है, जीवन में सुख से रहे, अंत परम गति होए, अमर नाम अपना करे, सो योगी कहलाए। आपके पीछे योगी संकल्प हो जाएगा, रिलैक्स हो जाए। 3 अंतिम अभ्यास हमारे, दोनों हथेलियों को मसलें आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर लगा दें, नियमित अभ्यास करें। बस ये आज हम संकल्प लेने, इस 2020 में हमको प्रकृति से जुड़ने का एक अवसर मिला था, हम प्रकृति से दूर चले गए थे, हम योग से दूर चले गए थे, हम हमारी उस भारतीय परंपरा से दूर चले गए थे। सिंहासन करेंगे, सिंहासन की मुद्रा बनाने संकल्प शक्ति का विकास करता है, ये गले और थायराइड के लिए लाभकारी है। 3 बार करेंगे, हमारी सिरणवा की पहाड़ियों में शेर बहुत है, हम सब शेर हैं। अगला अभ्यास ताली योग, ताली योग हम सब कर सकते हैं,
धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं, ताली का स्पीड को बढ़ाएं। ताली योग से शरीर के सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है, ऐसा एक्यूप्रेशर सिद्धांत कहता है। पूरे शरीर के स्विच बोर्ड है हमारी ये हथेलियां, और धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएं। अंतिम अभ्यास हर्षासन का 46 मांसपेशियों का एक साथ व्यायाम होता है, ऐसा विज्ञान कहता है। पेट, पीठ, हाथ, चेहरा और हमारा मस्तिष्क, तो हम तीन बार हंसेंगे, सभी हंसे भले ही। और सभी के सुख की कामना करेंगे प्रार्थना से। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। भारत माता की जय के साथ योग का समापन होगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। और सभी द्रोणाचार्य साहिबानों का बहुत बहुत धन्यवाद।